विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना। तो आज आप लोग इस विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना का पूरा प्रैक्टिकल सीखेंगे और सीखने के बाद में आप लोगों का प्रैक्टिस किया जाएगा। उस प्रैक्टिस में अपने आप आपको करना पड़ेगा, इसलिए हर बच्चे को ध्यान से सुनना है और समझना है। उसके बाद मैं तुमसे बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका तुम्हें जवाब देना होगा। तो बच्चों आज जो प्रैक्टिकल उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में सबको समझना होगा कि यह जो इसको देख रहे हैं ये प्रकाशी बेंच, इसे ऑप्टिकल बेंच भी कहते हैं। इस बेंच में ये स्केल लगा हुआ है और इस स्केल में एक इंटरनल स्केल एक एक्सटर्नल है, तो हमें इस इंटरनल स्केल को पढ़ना है, इस साइड वाला, ठीक। अब क्या करना है, यहां पर ये पिन स्टैंड है जिसमें ये पिन लगी हुई है, इस पिन को आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितना आपको करना है वहां तक रोक सकते हैं, ठीक, इस पिन से, ठीक है। ये हमारे दो पिन स्टैंड है और पिन भी है और ये लेंस स्टैंड है। इस लेंस स्टैंड में लेंस को लगाया जाता है, लेंस को आप इस तरह से इसको लगाएंगे केयरफुली, ऐसे लगा दें, ओके। अब देखो समझाते हैं क्या करना है, इन पिन स्टैंड और लेंस स्टैंड को ऑप्टिकल बेंच पर किस प्रकार रखना वो हमें, इस पर जो आप निशान देख रहे हैं ये निशान तुम्हारा स्केल की साइड में होना चाहिए ताकि उसकी रीडिंग पढ़ सके, इसको ऐसे लगाना है, ठीक। उसी प्रकार से लेंस स्टैंड में भी निशान लगा, उसको यहां लगाना है, तो सभी इसको ऐसे लगाना है। तो पहले बताते हैं कि इस जो वस्तु पेन है या पिन स्टैंड है इनमें पिन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो पिन को आप उठा करके क्या करना है, पास पास कर लीजिए और पिन को इस तरह रखे कि आप लेंस के हाफ तक, लेंस का जो आधा हिस्सा है वहां तक पहुंचा दें, अनुमानित कर दें अपना आप, हाथ से कर सकते हैं और टाइट कर लें। एक को टाइट कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिक उसके बराबर कर सकते हैं। तो पिन की जो ऊंचाई है वो लेंस के हाफ तक होनी चाहिए, पहला काम ये कर लिया। इतना करने के बाद अब हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस विस्थापन विधि में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों ये दो पिन है, इन दोनों पिनों के बीच की दूरी हमें फिक्स करनी है। इन हम घर से फिक्स करके आ सकते हैं, कितने फिक्स करनी है, इस लेंस की फोकस दूरी के चार गुने से अधिक होना चाहिए। लेंस की फोकस दूरी को हम निकाल सकते हैं, देखो हम यहां पे तुम्हें पता नहीं कितनी फोकस दूरी इसकी, इसका प्रैक्टिकल हमारा यही है कि इसकी फोकस दूरी याद करनी है। तो इसको आप सूर्य के प्रकाश में देखेंगे, सूर्य का फोकस कहां तक पहुंच रहा है उस डिस्टेंस को बोलेंगे इस उत्तल लेंस की अनुमानित फोकस दूरी। जैसे फोकस का मतलब क्या है, उत्तल लेंस का आप रखेंगे धूप में तो सूर्य का प्रकाश एक छोटा रूप बनेगा, जितना बारीक पॉइंट बन जाए बस वो उसका फोकस कहलाता है, ठीक। उसको यहां से स्केल से नाप लेंगे दूरी कितनी है, मैं तो बता दूं इस अपने लैब के अंदर इस लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। जब तुम्हें तो पता लग गया 15 सेंटीमीटर है, अब क्या मतलब हुआ, 15 × 4 कितना, वो 60, तो 60 सेंटीमीटर से अधिक दोनों पिनों के बीच की दूरी होनी चाहिए, ठीक। वो कैसे करेंगे, अब हमारे पास जो सारणी है उसमें लिखा प्रथम पिन की स्थिति, एक प्रथम पिन द्वितीय पिन, तो प्रथम द्वितीय का मतलब थोड़ा क्लियर कर दो, इस एक्सपेरिमेंट में हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये प्रथम पिन ये द्वितीय पिन हो गया, इन दोनों पिनों की दूरी हमें 60 से अधिक करनी है, पहले हमें 65 करनी है। 65 कैसे कर सकते हैं, इसको तुमने रख लिया मान चलिए 10 पर रख दिया, 10 सेंटीमीटर 10 पर रख दिया, तो प्रथम पिन मतलब जहां पे स्टार्टिंग यहां से हुआ ना, जीरो से स्टार्ट हो, देखो जीरो से स्टार्ट हुआ तो ये प्रथम पिन हो गई, तो इसको हमने रख दिया 10 पर, रखो 10 पर, इसको 10 पर, तो अब 10 + 65 कितने हुए, 75। अब इसे रखना हमको 75 पर रखना है, यहां 75 रख दिया, तो अब दूरी कितनी हो गई, 65 दूरी हो गई, मतलब 60 से कम अगर करेंगे तो लंबन दूर नहीं हो पाएगा, जो है लंबन दूर करना है। तो हम यहां पे लिख देंगे, ये चाहो तो घर से लिख के ला सकते हो, अगर तुम्हें पता हो लेंस बहुत कितनी है, अब घर से सी लग सकते हैं, हो सकता है इसकी 20 सेंटीमीटर हुई तो फिर रीडिंग क्या हो, बदल जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर हमने यहां पर कर दिया 10, ये से कर दिया कितना 75, ठीक 10 75। अब आता है यहां पर ए, यहां पर है दोनों पिनों के बीच की दूरी, अंतर कर लो 75 - 10 कितना हो गया 65, ये 65 हो गया, ये तो हमने बिना प्रैक्टिकल करे ही निकाल दिया, ए का मान निकाल चुके,
अब हमें मेन बात समझ ली, अब इस लेंस को रखना है इनके बीच में रखना है, ठीक है, लेंस को रखना है बीच में, लेंस यहां रख दिया, ठीक। अब क्या काम करना है, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट होना है, तो हमने इसको रखना है और इसमें यहां से इसके अंदर प्रतिबिंब देखना है, प्रतिबिंब उल्टा देखना, पहली बात प्रतिबिंब उल्टा बने, उल्टा बनने के बाद फिर हम इस लेंस को धीमे धीमे डिस्प्लेस करते हुए लंबन त्रुटि को दूर करें। पहले उल्टा प्रतिबिंब बना, ऐसे बन गया भाई देखिए, अब हमको ऐसे बनाना है, ठीक। कभी कभी प्रतिबिंब ऐसे बन जाता है, उसके लिए क्या करेंगे आप, स्पिन को एडजस्ट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे ताकि लॉक से लॉक मिल जाए, लॉक से लॉक मिलने के बाद फिर हमें लेंस को विस्थापित करेंगे, बहुत स्लोली मूवमेंट में करना है, करते हैं उसको देखते जाएंगे, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि दोनों के दोनों नॉक मिल गई हुई हैं और अपने आप को लेफ्ट करने पे दोनों साथ साथ चल रहे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसका मतलब हो गया ये लंबन त्रुटि हमारी दूर हो गई। इतना करते ही क्या होगा, तुरंत रीडिंग नोट करेंगे अपने अपने प्रैक्टिकल कॉपी में, इसका लेंस का कितना स्थिति क्या है, ये अभी लिखना नहीं, 53.5 आ गया, ओके इतना हो गया। अब क्या काम करना है, चूंकि विस्थापन निधि है, अब हमको खुद विस्थापित करना है, उधर जाएंगे उस साइड, उधर पहुंचेंगे फिर इसको इधर खिसकाएंगे, खिसका करके फिर यहां से इसका लंबन त्रुटि दूर करेंगे, लंबन त्रुटि दूर करेंगे, लंबन त्रुटि मान चलो इस जगह पे आती है तो ये लेंस की दूसरी स्थिति कहलाएगी, मान लो दूसरी स्थिति आती है मान लो 25.5 आती है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। इतना ही काम करना तो मैं लैब के अंदर और कुछ नहीं, मतलब लेंस की प्रथम स्थिति में हमने लंबन त्रुटि ज्ञात की, वो हमने निकाल ली, दूसरी स्थिति में त्रुटि ज्ञात की, वो ज्ञात की। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, हमारे चार बच्चों का ग्रुप होगा तो दो बच्चे इधर होंगे, दो बच्चे साइड में होंगे, दो लोग प्रथम स्थिति की रीडिंग निकालेंगे, दो सेकेंडरी स्थिति निकालेंगे, ठीक है। इतना हो गया, अब आता लेंस का विस्थापन। अब हम अगर गौर से देखें इसे विस्थापन विधि क्यों कहते हैं, स्थिति में निकाल लिया तो अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कहलाएगा डी कहलाएगा। ए क्या था, दोनों पिनों के बीच की दूरी, डी क्या है, लेंस का विस्थापन। ए और डी पता हो गया, फिर गणना शुरू कर दो प्रथम परीक्षण से, एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, उसमें मान रख करके एफ का मान निकालेंगे, वो लास्ट कॉलम में आ जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरा कॉलम, दूसरी रीडिंग शुरू करते हैं। अब तुमने 65 रखा था, अब रखना तुमको 70, 70 कैसे करोगे भाई, इसे तुमने कर दिया 10 पर, इसे कर दो कहां पे 80 पे, कर दूरी कितनी हो गई 70। फिर पुनः लेंस की प्रथम स्थिति में लंबन दूर कर, दूर करो लेंस सेकंड स्थिति निकालो, ठीक। वो तुम्हारा D2D निकल आएगा, ए पता हो गया, ए कितना हुआ इसमें 70, डी का मान जो भी निकल गए, फिर लगाओ फॉर्मूला एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। उस फॉर्मूले से हम एफ का मान निकालेंगे, दूसरी रीडिंग हो जाएगी। तीसरी रीडिंग क्या करना, ये हमने 65 पे कर लिया, 70 पे, आप 75 पे करना, क्या तरीका अपनाओगे, इसे तुमने मान लो तो बदल दो, 15 कर दो, 15 और 75 कितने हुए 90, एक को 90 पे कर दो, एक को 15 पे, एक को 90 पे कर दो, तो तुम्हारा डिफरेंस कितना हो गया 70। यानी हमने पहले 65 पे किया, फिर 70, फिर 70 पे किया, फिर 75 पे किया, ठीक। तो तीन मान समझ में आ गया, फिर करके इनको फिक्स कर दिया, तो ये मान चलो हमारी जो पिन है ये तो फिक्स रहेगी, केवल लेंस को विस्थापित करके लंबन त्रुटि को दूर करना, ठीक है। दोनों स्थितियों में फोक दूरी ज्ञात करेंगे, फिर एफ का मान ज्ञात करेंगे, तो इस तरह एफ के 1, 2, 3 मान निकलेंगे, लेकिन हमें तो उसकी फोक दूरी ज्ञात करनी है, तो अंत में लिखोगे लेंस की औसत फोकस दूरी तीनों फोकस दूरी को जोड़ करके 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देने के बाद हम इसकी फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते, ठीक है। तो आज का यही एक्सपेरिमेंट है, मैं समझता हूं सभी बच्चों ने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। समझ करके आगे बढ़ना, परिणाम निकालना है, और परिणाम इतना करने बाद हमसे कॉपी चेक कराओगे, कॉपी चेक कराने के बाद ही हम तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल चेक करेंगे, उससे पहले चेक नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल रफ कॉपी चेक होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल चेक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।